आज मैं आपको वर्ल्ड की इजीएस्ट मोदक की रेसिपी बताने वाली हूँ। वाव, देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ना। देखकर इसे कोई बता नहीं सकता कि इसे हमने ओरियो बिस्किट से बनाया है, और इसे बनाने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाउल में मैंने टोटल 20 ओरियो बिस्किट लिए हैं, और ये मैंने व्हाइट क्रीम वाले बिस्किट लिए हैं। जो छोटे पैकेट आते हैं ना 10 रुपये वाले, वो 4 पैकेट मैंने लिए थे। एक पैकेट में 5 बिस्किट आते हैं। अगर आपको उस तरह का पैकेट ना मिले तो आप इस तरह का जो बड़ा पैकेट आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको 2 पैकेट लेने होंगे। मैंने व्हाइट क्रीम वाला लिया है, आप चाहो तो चॉकलेट वाला या फिर जो पिंक क्रीम में आता है उस बिस्किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि इसके अंदर की जो क्रीम है इसे हमें अलग करना है। आप इसी तरह से अगर चॉकलेट या फिर जो पिंक क्रीम वाला बिस्किट आता है वो लोगे तो उसका भी क्रीम आपको इसी तरह से अलग करके लेना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं। मैं आज ओरियो बिस्किट से मोदक बना रही हूँ। आप इसी तरह से कोई दूसरे बिस्किट का भी इस्तेमाल करके मोदक बना सकते हैं जो कि क्रीम वाला बिस्किट होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे बिस्किट की क्रीम को मैंने अलग कर दिया है। तो ये जो क्रीम है अब हम इसे अलग से रखते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बिस्किट को रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। तो इन बिस्किट को हम रफली इसमें तोड़ के डाल लेते हैं। मैं ओरियो बिस्किट से बना रही हूँ तो इसका जो टेस्ट है चॉकलेटी फ्लेवर वाला देगा, बट अगर आप कोई दूसरे ब्रांड का बिस्किट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो टेस्ट है वो उसी तरह का रहेगा। तो सारे बिस्किट्स को मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, बिस्किट को पीसने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में दिखेगा। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं हैं, ये पूरी तरह से अच्छे से फाइनली पीसा गया है। अगर आपको लगे कि ये अच्छे से बारीक पीसा नहीं या इसमें बड़े बड़े चंक्स हैं तो आप इसे छान कर भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारा जो मोदक है वो एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि इसका एकदम पाउडर होना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास घर का बना हुआ घी है, तो 1 छोटा चम्मच घी हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि ये कच्चा दूध नहीं है। तो दूध को अभी हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम घी को जो है बिस्किट में अच्छे से मिला लेते हैं। ध्यान रहे कि हम मोदक बना रहे हैं, यानी कि जो भी हम स्वीट मिठाई पेड़ा जैसी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हमेशा घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप यहाँ पे तेल या बटर का इस्तेमाल ना करें। घी से इसे टेस्ट भी मिलेगा, साथ ही में इसे शाइन भी मिलेगी। तो देखिए घी को जो है मैंने अच्छे से मिला दिया है, बट अभी भी ये डो की तरह नहीं बना है, यानी कि अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है। तो अब हम करेंगे कि जो हमने दूध लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। दूध को जो है एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और अच्छे से डो को मसलते हुए गूंदना है। तो यहाँ पे मैंने दूध का इस्तेमाल किया है और घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको घी या दूध नहीं डालना है तो आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो घर की मलाई होती है दूध के ऊपर की, जो मलाई हम जमा करके रखते हैं उसे भी आप फेंट कर ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने चीनी यानी कि शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बिस्किट ही अपने आप में काफ़ी मीठी है, बट आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए डो को टाइम भी नहीं लगा है, फटाफट गूंद कर रेडी हुआ है। जितना आप इसे अच्छे से गूंदोगे उतना इसके अंदर का जो ऑयल है वो रिलीज़ होता जाएगा और इसे शाइन मिलती जाएगी और ये चिकना होता जाएगा। तो देखिए डो बिल्कुल गूंद कर रेडी है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ही दूध लगा है, और बचा हुआ जो 1 बड़ा चम्मच दूध है इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो अब करेंगे इस डो को अब साइड में रख देते हैं, और चलिए इसके अंदर की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसकी क्रीम निकाल के रखी है इसी से हम स्टफिंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो नॉर्मली मोदक है तो मोदक में कोकोनट का होना ज़रूरी है, तो इसके मैं 2 बड़े चम्मच इसमें डालूंगी। अगेन मैं यहाँ पे भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, क्योंकि क्रीम है और क्रीम बिस्किट से भी ज़्यादा मीठी होती है, तो बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी बादाम लो, काजू पिसा, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है आप उसे पीस कर उसका एक अच्छा सा पाउडर बना लें और उसको इसमें मिला सकते हैं। इवन आपके पास अगर मिल्क पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए इसे भी गूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, हल्का सा गून कर हमने किसका छोटा सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। इसे खाने में और भी टेस्टी और खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे चेरी है। केक बनाते हैं उसके ऊपर भी आपने इस तरह की चेरी देखी होगी, ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो अगर आपके पास चेरी नहीं है कोई बात नहीं, आप ये डायरेक्ट वाइट मिक्सर से भी इसे स्टफ़ कर सकते हैं। कि हमने जो है वाइट वाला मिक्सर रेडी करके रखा है, इसमें से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसे इस तरह से हाथों में थोड़ा सा फैला देंगे, चेरी को इसके अंदर रखेंगे और वाइट जो मिक्सर है हमारा उसे इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, यानी कि चेरी कहीं से भी नज़र नहीं आनी चाहिए, और इसे हल्का सा ना ओवल शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 चेरी को स्टफ़ करके रेडी कर लिया है। मोदक बनाने के लिए मैंने इस तरह का मोल्ड लिया है। इस तरह का मोल्ड आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कि सबसे पहले इसे हम हल्का सा घी लगाएंगे और घी से ग्रीस करेंगे जिससे कि इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाएगा। जो ये बिस्किट का डो हमने रेडी करके रखा है इसमें से हम थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसे हम इसमें इस तरह से स्टफ़ करेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करते हुए यानी कि अच्छे से दबा दबा के हमें इसे भरना है और बीच में इस तरह से एक जगह बनाती जानी है क्योंकि हम इसमें स्टफिंग करने वाले हैं। उसी तरह से हम दूसरे साइड को भी स्टफ़ करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है ना उसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने चेरी को स्टफ़ करके रखा है इसका एक बॉल लेंगे और इसे हम इस तरह से रख देंगे। अब हम इन दोनों को इस तरह से बंद कर देते हैं और अच्छे से टाइटली प्रेस कर देंगे जिससे कि बिस्किट जो है एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देते हैं और चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। वाओ देखिए घी लगाने की वजह से इसके ऊपर कितनी अच्छी शाइन आ गई है, और इसे हमने अच्छे से दबा के भरा हुआ था, अच्छे से प्रेस किया हुआ था, इसके वजह से आप इसके ऊपर डिज़ाइन भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्टली डिज़ाइन आ चुकी है और ये हमारा पहला मोदक बनकर रेडी है। अगर आपको इस तरह का मोल्ड ना मिले तो कोई बात नहीं, सिंपल आप करें क्या, दोनों डो को एक साथ मिक्स करें और दो कलर का पेड़ा बना दें। टेस्ट तो आपको वही करने वाला है, मोदक हो या फिर पेड़ा हो। इसे आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। है ना एकदम ज़बरदस्त मोदक, देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना। हमारे मोदक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इतने बिस्किट में मीडियम साइज़ के 6 मोदक बने हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।